गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस चैप्टर की 5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर कल हमने वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसके ऊपर डिस्कस अभी वो की थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी हमारे पास सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है भाई हमने निकालने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है भाई, वो आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है भाई, वो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वो आपको याद होगा। तो वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला था भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, याद रखना इसका, पाई आर स्क्वायर एच है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल है भाई हम इस एक्सरसाइज के अंदर है भाई वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी। फर्स्ट सम आपके पास दिया गया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर है भाई आपके पास, मान लिया इस प्रकार से ये सिलेंडर है आपके पास दिया गया है, और जो बेस है, ये जो बेस है इसकी सर्कमफ्रेंस यानी ये वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि हम कह सकते हैं, वो क्या है, 132 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इज 25, और इसकी हाइट है वो 25 है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन बी होल्ड, इसमें कितना पानी है भाई वो आ सकता है वो हमने बताना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 132, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 132, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा सरकमफ्रेंस का, 2πr इज इक्वल टू 132, 2×22/7 r इज इक्वल टू 132, r इज इक्वल टू 132 × 1/2×7/22, 22 से कैंसिल हो गया 6 आ गया, 2 से कैंसिल हो गया 3 हो गया, 7×3=21। तो रेडियस है भाई वो हमारी कितनी होगी इसकी सिलेंडर की, 21 रेडियस। त्रिज्या अभी वो कितनी होगी, 21 रेडियस त्रिज्या हमारे पास 21 है, हाइट हमारे पास क्या है 25 है, रेडियस कितनी होगी भाई 21, हाइट कितनी होगी, हाइट हमारे पास दी गई है 25, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे, अभी अभी फॉर्मूला बताया है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना है 22/7, वॉल्यूम त्रिज्या है वो 21, 21×21, और हाइट है वो कितनी है भाई 25, तो 7×3=20, 1 3 से कैंसिल हो गया भाई, बाकी हम मल्टी कर लेते हैं 22 की और 3 की 66 होगी, 25×6=150, और 1650, ठीक है भाई, 25×150 और 15, 165, ठीक है। इसकी मल्टी करेंगे अब 21 के साथ, 1650×0032, ठीक है, 056314 और 2 यानी 24650 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। लेकिन लीटर में बताना है, तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो 1/100 तो कितना क्यूबिक हो गया भाई, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 24.650 लीटर है भाई वो, उसकी उसके अंदर है भाई वो पानी है वो आ सकता है, कितना आ सकता है 24.650 लीटर पानी है भाई वो उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज
मास 0.6 ग्राम, बिल्कुल आसान सा है। पहले डाया इनर लेके हम वॉल्यूम निकालेंगे, 24 डाया है, 24 है वो डाया दिया गया है, रेडियस कितनी होगी 12 होगी, तो हम क्या निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या निकलेगी वॉल्यूम फॉर्मूला, क्या पाई आर स्क्वायर एच है, आप लिख लेंगे डाया ऑफ इनर डाया ऑफ पाइप 24, इनर रेडियस ऑफ पाइप 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12 होगी, और वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप की वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई का मान कितना 22/7, आर्क रेडियस कितनी है भाई 12 मल्टी हाइट है, हाइट कितनी दी गई 35, ठीक है, 7 5 35 हो गया, ठीक है, तो मल्टी कर लेंगे 12 5 16 और 12 6 72, यानी 720 हो गया, और उसके 22 के साथ मल्टी करेंगे भाई तो कितना हो गया 04, यानी 22 2 44 और 27 कितने हो गए भाई 154 और 4 159, तो कितनी होगी भाई 15940, ठीक है। अब आउटर की निकालेंगे 22 7 14 14 35, 35 कैंसिल हो गया 5 हो गया, 14 5 17, 14 6 84, 14 7 98 98, यानी 980 की और 22 की गुणा करेंगे भाई तो वो कितनी आएगी भाई हमारे पास 0 22 8 176 और 22 9 198 और 17 कितनी हो जाएगी 200 198 है, और 17 और ऐड करेंगे तो 5 215, ये हो गया भाई यानी 21560। तो हम क्या करेंगे भाई, हम तो क्या करना, वॉल्यूम ऑफ वुड लकड़ी का आयतन निकालना है भाई, तो इसमें से आउटर में से इनर है भाई वो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 में से 4 गया 2, 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे 0 5, तो ये क्या है भाई इनर है, सॉरी ये वुड की क्या है वॉल्यूम है, ठीक है 5620 कितनी होगी 5620, ठीक है क्यूबिक सेंटीमीटर ये वॉल्यूम होगी, ठीक है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मास इज इक्वल टू 0.6 और 5620 क्यूबिक सेंटीमीटर मास है भाई, शायद यही थी, मल्टी 0.6 × 5620 यानी जो भी आई थी हमारी आउटर में से इनर घटाया था जो बचा था उसके इसकी मल्टी कर देंगे तो हमारा आंसर है भाई वो हो जाएगा, वो ग्राम के अंदर होगा, ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा था। नेक्स्ट है थर्ड सम, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक, ए टिन कैन ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग हाइट 15 सेंटीमीटर, यानी ये तो क्या होगा भाई क्यूबॉइड हो गया, ये वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम एल मल्टी बी मल्टी एच 5 × 4 × कितना है 15 है, 5 4 20 20 की और 15 की 15 2 30 300 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी भाई हमारी वॉल्यूम। और प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर डायमीटर 7 है हाइट 10 है किसका ग्रेटर है, तो इसके क्या अभी डायमीटर दिया गया, रेडियस लिख लेंगे, हाइट लिख लेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई का मान 22/7
रेडियस 7/2 मल्टी 7/2 मल्टी हाइट, हाइट 10 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 5, 2 से 11, 77 की और 5 की, 5 7 जा 35, 35 और 3 38 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसकी वॉल्यूम ये है, इसकी वॉल्यूम है, तो क्या है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी ग्रेटर है भाई, वो सिलेंडर की है, और कितनी है भाई, 385 माइनस 300, तो कितनी है भाई, 85 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी है भाई, वो किसकी, सिलेंडर की है भाई, वो अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ए लैटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इच, जो लैटरल सरफेस एरिया है भाई वो सिलेंडर का दिया गया है, हाइट दी गई है, देन फाइंड रेडियस, पहले रेडियस निकालेंगे फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो लैटरल सरफेस एरिया है भाई, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ये रखेंगे, हाइट दी गई है, फॉर्मूला लगाने यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, रेडियस, और रेडियस निकालने के बाद हमने वॉल्यूम है भाई वो निकालनी है। तो बिल्कुल ही आसान सा सम है भाई आपके पास दिया है, ये आपने खुद करके देखना है, फिर भी कोई समस्या इसके अंदर आती है तो मेरे से डिस्कस है भाई वो कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम है भाई वो कल मतलब नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।